लखनऊ में 3 जून को सूबे में निवेश का माहौल बनाने के लिए आयोजित हो रहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को गीडा में निवेश करने वाले उद्यमियों को जमीन का आवंटन पत्र देंगे। 6 उद्यमियों को करीब 45 एकड़ जमीन को लेकर आवंटन पत्र सीएम योगी के हाथ मिलेगा। डिस्टिलरी से लेकर क्रॉकरी तक की फैक्ट्रियों में उद्यमी 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगे, जिससे 2700 से अधिक कामगारों को सीधा रोजगार मिलेगा। पीएम योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यालय में औद्योगिक जमीन की किल्लत को देखते हुए उद्यमी गीडा में अपेक्षित निवेश नहीं कर सके थे, लेकिन अब गीडा के पास पर्याप्त जमीनें हैं। बीटी रावत के पास गीडा प्रशासन करीब 230 एकड़ जमीन को औद्योगिक विकास के लिए विकसित की है। इसके साथ ही गीडा प्रशासन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बेहतर काम कर रहा है। गीडा में उद्योग लगाने की इच्छा जताने वाले किरान डिस्टिलरी भी प्राइवेट लिमिटेड 20 एकड़ में डिस्टिलरी की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। उस बीच विनय कुमार सिंह द्वारा 702 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश किया जा रहा है। इस फैक्ट्री में 1,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट 5 एकड़ में फैक्ट्री लग रही है। इसमें 118 करोड़ का निवेश होगा। इससे 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें, पूर्वांचल के साथ ही पूरी यूपी में जल जीवन मिशन और सीवर लाइन को लेकर तेजी से काम हो रहा है। इसके चलते प्लास्टिक पाइप की डिमांड है। इसे देखते हुए 102 करोड़ की लागत से यूपी की सबसे बड़ी यूनिट स्थापित की है। पूर्वांचल में निवेश के माहौल से बेरोजगारी दूर भी होगी। राकेश कुमार मिश्रा, CEO तत्व प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, पूर्वांचल में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तेजी से हो रहे हैं, जिससे औद्योगिक माहौल बना हुआ है। गीडा के नोएडा बनने में अब कोई बाधा नहीं है। फिलहाल 702 करोड़ का निवेश हो रहा है, जिसे आगे और बढ़ाया जाएगा। फैक्ट्री में 1,000 से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।